गुड मॉर्निंग। आज जो अपना व्याख्यान का विषय रहेगा वो है मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध। देखिए, आप लोगों को पता है कि अपने जो पूर्व में जो भी व्याख्यान हुए उनमें सरसरी दृष्टि से अपन लोगों ने देखा कि मानव भूगोल में जो है विशेषतः मानवीय क्रियाकलापों का और उन क्रियाकलापों पर विशेष तौर पर प्राकृतिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अपन ने अध्ययन किया। वास्तव में मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार के हैं और मानव पर्यावरण के संबंधों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, कि पर्यावरण का मानव पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है या मानव का पर्यावरण पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी विषय को लेकर अपन आज चर्चा करेंगे। मानव एवं पर्यावरण के संबंध, मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। मानव और पर्यावरण के परस्पर संबंध या मानव एवं वातावरण के संबंध। देखिए, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन ईसा से हजारों वर्ष पूर्व या पूर्व से ही विशेष तौर पर भारत, चीन, यूनान आदि देशों में होता आ रहा था या होता आ रहा है। लेकिन जो मानव भूगोल का जो आधुनिक स्वरूप है या मानव भूगोल का जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसका विकास 18वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ जर्मनी। तो मानव एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से जो मानव भूगोल में जो विचारधाराएं विकसित हुई उनको मानव एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों की विचारधाराएं या मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। तो मानव एवं पर्यावरण के संबंध दो के साथ साथ इनको अपन दूसरा इस नाम से जानते हैं, मैन स्कूल, मैन स्कूल्स ऑफ थॉट। In human geography, मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं या मानव एवं वातावरण के संबंध, क्योंकि मानव एवं वातावरण के संबंधों का जो विस्तृत अध्ययन करते हैं या मानव एवं वातावरण के संबंधों की जो विचारधाराएं विकसित हुई, जो स्कूल ऑफ थॉट्स दुनिया के सामने आए, उनमें सबसे जो प्राचीन जो विचारधारा है
या स्कूल ऑफ थॉट है वो जर्मन की है। इसलिए जो जर्मन की जो विचारधारा है मानव वातावरण के संबंधों की, उसको किस नाम से जानते हैं? जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। किस नाम से जानते हैं? जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा। फर्स्ट है, देखिए, पहली मानव और वातावरण के परस्पर संबंधों की जो पहली जो विचारधारा है वो है जर्मन की विचारधारा। इसलिए इसको क्या जानते, किस नाम से जानते हैं? जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा। इसको जर्मन विचारधारा इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव और वातावरण के संबंधों को या संबंधों का अध्ययन करने वाली इस विचारधारा का विकास सर्वप्रथम जर्मन में हुआ, इसलिए इसको मानव एवं वातावरण के संबंधों की जर्मन विचारधारा के नाम से जानते हैं। देखिए, इस विचारधारा में जो मानव और वातावरण, स्पेशली नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण, जो मानव और प्राकृतिक वातावरण के संबंधों में जो जर्मन विचारधारा में जिसको स्ट्रॉन्ग माना गया है, जिसको ज़्यादा अहमियत दी गई है, वो वातावरण। और मानव को वातावरण की या पृथ्वी की सिर्फ उपज या वातावरण की, वातावरण का दास माना गया है, और प्रकृति को या प्राकृतिक वातावरण को इसमें स्वामी माना गया है। प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण स्वामी की भूमिका में रहेगा और वातावरण जो है, प्राकृतिक वातावरण जो है स्वामी की भूमिका में, और मानव वर्ग को जो है सेवक की भूमिका में इसमें माना है। तो जो मानव और जो पर्यावरण है उन दोनों में अलग अलग जो भूमिका, अलग अलग जो रोल है, उसमें प्रकृति का रोल किसका? स्वामी का, और मानव का जो है, जो भूमिका है वो सेवक या नौकर तक है। इसलिए जो मानव वातावरण के संबंधों की जो जर्मन विचारधारा है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वातावरण निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो जो जर्मन विचारधारा है इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद। इसके अलावा इसको किस नाम से जानते हैं? सिर्फ एनवायरमेंटलिज्म, इसलिए मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों की जो विचारधारा है इसको जर्मन विचारधारा, वातावरणवाद या वातावरण निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं।
देखिए इस ये जो विचारधारा है इसके अंदर जो प्रमुख जिन विद्वानों को भूमिका रही उन विद्वानों में मुख्यतया जो है किन किन विद्वानों का योगदान रहा है, किन किन मानव भूगोल शास्त्रों का योगदान रहा, उनमें प्रमुख है पहला है कांट। कांट एक जर्मन भूगोलवेत्ता था और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया था और इन्होंने हालांकि डायरेक्टली जो है वातावरण निषेवाद की कल्पना बात नहीं करी, लेकिन जब फिजिकल ज्योग्राफी में अपन इनका अध्ययन करते हैं तो अब जो है मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि जो जर्मन जो विचारधारा है ये जर्मन में इसका विकास हुआ और इसमें किन किन जो है मुख्य मानव भूगोल शास्त्री थे जिनका इसमें योगदान रहा, उनमें सर्वप्रथम अपन कांट के बाद कांट है जिन्होंने वातावरणवाद या पर्यावरण निश्चयवाद को महत्व प्रदान किया। इसके बाद में हम्बोल्ट, हम्बोल्ट इन्होंने जो इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है कॉस्मोस, ब्रह्मांड एक तरह से, तो इसके अंदर जो है वातावरण निषेवाद की इन्होंने कल्पना करी। हम्बोल्ट के बाद में जो है रीटर मुख्य मानव भूगोल शास्त्री थे जिन्होंने वातावरण निषेवाद या जर्मनी विचारधारा का समर्थन किया और इसको आगे बढ़ाया। रीटर के बाद में फोर्थ जो महत्वपूर्ण मानव भूगोल शास्त्री हुए वह फ्रेडरिक रेट्ज़ेल। रेट्ज़ेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानव भूगोल शास्त्री है और ये आधुनिक जो मानव भूगोल है उसके विकास में या वैज्ञानिक मानव भूगोल है इसके विकास में इनका सर्वाधिक योगदान है, इसलिए रेट्ज़ेल को मानव भूगोल का पिता या जनक के नाम से भी अपन जानते हैं। रेट्ज़ेल ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी का मतलब मानव भूगोल ही है। इसमें इन्होंने जो है वातावरण निश्चयवाद का विस्तार से वर्णन किया और ये जो इनका ग्रंथ है वो तीन खंडों में जो है प्रकाशित हुआ और उन तीनों खंडों में ही जो है इन्होंने वातावरण निश्चयवाद या वातावरणवाद की बात की
और बताओ इससे बात विश्व विख्यात हुआ, सर्वसम्मति से वातावरण इससे बात को स्वीकार किया जाने लगा। देखिए एंथ्रोपोजोग्राफी का जब प्रकाशन हो रहा था तो 1904 में, क्योंकि ये वर्तावस्था में आ गए थे और ये एंथ्रोपोजोग्राफी इनका जर्मन लैंग्वेज में था, जर्मन भाषा में था, लेकिन चूंकि विश्व में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो अंग्रेजी भाषा में जानने वाली थी, तो अंग्रेजी भाषा विश्व की जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी उन प्रदेशों में या उन देशों में वातावरण निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की मार्केटिंग इतनी नहीं हो पाई थी, लेकिन इनके एक जो है शिष्य थी और मूल रूप से वे अमेरिकन थी और उनका नाम था एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल इसी सैंपल या सैंपल एलन चर्चिल सैंपल ने 1911 में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा या बुक लिखी और उसका नाम था इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट। भौगोलिक वातावरण या भौतिक वातावरण के प्रभाव, और इन्होंने कब लिखी 1911। और कुमारी सैंपल कौन थी? कुमारी सैंपल मूल रूप से अमेरिकन थी और रेडजेल महोदय की शिष्य थी। इन्होंने जो हम्बोल्ट का जो एंथ्रोपोजोग्राफी था उसका अनुवाद जर्मन से इंग्लिश में किया, अंग्रेजी में किया, तो इसका प्रभाव यह हुआ कि जो अंग्रेजी भाषा वाले जो देश थे या विश्व के जो प्रदेश थे उन प्रदेशों में भी जो वातावरण निश्चयवाद या वातावरणवाद का बहुत तेज गति से तीव्र गति से प्रचार हुआ और पूरे विश्व में, हालांकि जो एंथ्रोपोजोग्राफी था जर्मन भाषा में, उसके अलावा सैंपल ने जो अपना ग्रंथ था भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, उस ग्रंथ में अपनी तरफ से बहुत सारे उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए और जो वातावरण निश्चयवाद के जो विचार थे मूल रूप से रेडजेल के, उन विचारों को उन्होंने उदाहरणों के द्वारा पुष्ट किया, उनका प्रमाण दिया और वातावरणवाद की जो विचारधारा थी या जर्मन जो विचारधारा थी इसको विश्व विख्यात बनाया। और कुमारी सैंपल और रेडजेल की वजह से जो वातावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है मानव भूगोल की या जिसको जर्मन विचारधारा कहते हैं, इसको पूरे विश्व में 18वीं और 19वीं शताब्दी तक सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और इसमें मूलतः जो है वातावरण को स्वामी माना गया है, कि जिस स्वामी का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार की वातावरणीय दशाएं या ज्योग्राफिकल कंडीशन भौगोलिक दशाएं, जैसे वहाँ का लैंडफॉर्म्स कैसा है, वहाँ का रिलीफ कैसी है, आप लोगों का अलग में बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा आप लोगों को और आप लोग देख लीजिए, जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है इसके
ये जो तत्व है या एलिमेंट्स हैं, जो तत्व है वो कौन कौन से हैं? एक तो किसी भी भौगोलिक प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसके अलावा उसका उच्चावच मतलब धरातल, वहां की जलवायु क्लाइमेट, वहां की सोयल, वहां की वेन्स पावने, रेनफॉल, वेजिटेशन कवर आदि, ये सारे के सारे भौगोलिक या प्राकृतिक वातावरण या भौतिक वातावरण के जो कारक है, इन कारकों का मनुष्य के जीवन पर मतलब उसके शारीरिक गठन पर, उसकी कैसी फिजिक होगी, कैसी उसकी शारीरिक बनावट होगी, उसका कैसा स्किन का कलर होगा, कि वो स्किन कलर त्वचा का रंग कैसा होगा, गोरा होगा कि काला होगा कि गेहुआ होगा, इसके अलावा उसका रहन सहन कैसा होगा, उसका खान पान कैसे होगा, उसकी वेशभूषा कैसी होगी, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब उसकी आर्थिक क्रियाएं कैसी होगी, कि वो प्राथमिक व्यवसाय करेगा कि द्वितीयक व्यवसाय करेगा, मतलब कौन सा वो अपना व्यवसाय अपनाएगा, इन सारे के सारे मतलब मनुष्य की हेल्थ, उसके शारीरिक गठन, उसके क्रियाकलाप, उसके रहन सहन, उसकी वेशभूषा, इन सब का निर्धारण सिर्फ प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण करेगा या प्रकृति करेगी। मनुष्य की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो सेवक की तरह अपने स्वामी के आदेशों की पालना करेगा, और जिस प्रकार की प्रकृति है, जिस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं हैं, उनके अनुसार अपना एडाप्टेशन करेगा, अनुकूलन करेगा। मैंने कल आप लोगों को बताया कि अनुकूलन में मानव सिर्फ जिस प्रकार की प्रकृति होती है उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, वो प्रकृति में परिवर्तन के बारे में सोचता भी नहीं। तो देखिए, आप लोगों को निश्चित रूप से वातावरण निश्चयवाद या वातावरणवाद या सिर्फ निश्चयवाद या इसको अपन जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के नाम से भी जानते हैं, जर्मन विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, तो जर्मन विचारधारा में क्या है या मानव और वातावरण के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उसमें जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान क्या है, उसमें प्रकृति और मानव की भूमिका कैसी है, इसके बारे में निश्चित रूप से आप लोगों को इस व्याख्यान से समझ में आया होगा। और अपन इसको बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार याद रख सकते हैं कि प्रकृति स्वामी है, वो ही निर्धारित करती है मानव के सब कुछ, क्रियाकलाप, शारीरिक गठन को, और मनुष्य एक नौकर की तरह या एक सेवक की तरह प्रकृति के आदेशों की पालना करता है और अपना जीवन यापन करता है। देखिए, जो जर्मन विचारधारा है इसका बोलबाला 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक रहा, उसके बाद में जो मानव और वातावरण के संबंधों की जो जर्मन विचारधारा है उसकी आलोचनाएं होना प्रारंभ हुई। आज सिर्फ इतना ही, आगे के व्याख्यान में अपन जो है दूसरी विचारधाराओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी अपन वातावरण और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, उन विचारधाराओं के बारे में अपन ने बहुत ही संक्षेप में जाना है। इसकी जो दो विचारधाराएं और है उनका अपन संक्षेप में उनके बारे में भी जानेंगे, उसके बाद अपन प्रत्येक विचारधारा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज
इतना ही। आगे के व्याख्यान में अपन जो मानव भूगोल की जो अन्य विचारधाराएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।